हेलो एवरीवन अगेन वेलकम ऑन माय चैनल ए के सिंह ऑनलाइन अकेडमी टुडे आई एम हेयर विद इकोनॉमिक्स क्लास नाइन्थ सो टुडे वी विल सी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पालमपुर की कहानी इसे आज हम देखेंगे इसे पढ़ेंगे इसका ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसके और पार्ट्स वन वीडियो टू वीडियो थ्री वीडियो करके आपको यूट्यूब में लगातार अवेलेबल करवाए जाएंगे लेट्स स्टार्ट आवर दिस चैप्टर सो द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर इकोनॉमिक्स क्लास नाइन्थ बच्चों अभी आप क्लास नाइन्थ में आए हैं एंड बिफोर क्लास नाइन्थ यू ऑल आर इन क्लास एट क्लास एट में आप अभी तक हिस्ट्री ज्योग्राफी और सिविक्स पढ़ते थे एक ये एडिशनल सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स आपके साथ एड किया गया है करिकुलम में आपके सिलेबस में सो यू हैव टू नो अबाउट वाट इज इकनॉमिक्स इकनॉमिक्स है क्या सो बच्चों इकनॉमिक्स क्या है इकोनॉमिक्स इज़ आल्सो पार्ट ऑफ सोशल साइंस जिसमें मेनली तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं कोई भी गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन के बारे में उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और उसके कंजप्शन के बारे में प्रोडक्शन कहने का अर्थ हुआ उसके उत्पादन उसका उत्पादन कैसे हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण हो गया और कंजप्शन मतलब उसका उपभोग करना उसको यूज़ करना सो वाट इज इकनॉमिक्स सो इकनॉमिक्स दोशल साइंस दैट स्टडीज़ द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस बच्चों हमें पता है कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के कोई ना कोई फादर रहे हैं कोई ना कोई जनक रहे हैं सेम लाइक एज इकोनॉमिक्स के भी जनक रहे हैं और ये जनक कौन है सो ही इज़ एडम स्मिथ दैट्स वाई एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकनॉमिक्स सो बच्चों ये तो बहुत बेसिक चीज़ें थी जो आपको बुक में नहीं दी गई है लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले क्योंकि आप क्लास एट से नाइन्थ में आए हैं यू मस्ट नो अबाउट इट सो so स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर बच्चों यहाँ जिस स्टोरी के बारे में बताया गया है पालमपुर एक्चुअली दैट विलेज इज़ हाइपोथेटिकल विलेज ये हाइपोथेटिकल का अर्थ क्या होता है हाइपोथेटिकल का अर्थ होता है इमेजिनरी काल्पनिक एक्चुअली इस चैप्टर में इस विलेज के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी विलेज़स में भी क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ के रह रहे लोग करते हैं और प्रोडक्शन कैसे होता है है ना ये सारी चीज़ों को बताने के लिए समझाने के लिए एन क्लास नाइन्थ के इस टेक्स्ट बुक में हमें एक पालमपुर का इमेजनरी विलेज बना के समझाने की कोशिश की गई है जैसा कि चैप्टर के फर्स्ट पेज में लिखा गया है कि पालमपुर एक हिपोथेटिकल विलेज है और इसके बगल में एक बड़ा विलेज है जिसका नाम रायगंज है जो लगभग यहाँ से थ्री किलोमीटर्स अवे है और उसके बगल में एक स्मॉल टाउन है जिसका नाम है शाहपुर so you must know about these three places also that one big village this is which is 3 km away from Palampur and its name is Raiganj and a small town which name is Shahpur सो so, बच्चों मैक्सिमम गांव में आप जानते हो कि वहाँ पे रह रहे लोगों का जो मेन एक्टिविटी होता है मेन occupation होता है वो होता है फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर सो so, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी पालमपुर में भी रह रहे जो लोग हैं उनका मेन एक्टिविटी फार्मिंग है फार्मिंग के अलावा फार्मिंग के अलावा भी ये लोग कुछ अदर एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ये छोटे लेवल पर घर के लेवल पर अपने गांव में ही छो, छोटे छोटे चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने का भी काम करते हैं डेयरी प्रोडक्शन दूध या दूध से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको बेचने का उसको उत्पादन करने का भी काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन शॉप कीपिंग एटसेट्रा अब नेक्स्ट टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे किस किस तरह के ट्रांसपोर्ट है क्या ये बहुत पुराना गांव है या इस गांव में भी जो लेटेस्ट व्हीकल्स है वो अवेलेबल है कि नहीं तो बच्चों इस गांव में दिखाया गया है कि बुलक बुल्स यानी बैलगाड़ी टांगास आपने टांगा देखा है जिसमें घोड़ा घोड़ा जो है वो घींचने का काम करता है बग्गी को घोड़ा गाड़ी जिसे हम कहते हैं बोगियास बच्चों ये इंपॉर्टेंट टर्म है बोगियास बोगियास क्या होता है जो मेल व होते हैं जिनको कहीं पर क्षेत्रीय भाषा में काड़ा बोला जाता है तो काड़ा के द्वारा जो गाड़ी खींची जाती है सेम एस बुलक कार्ड्स के जैसे तो उनको बोगियाज कहा जाता है इन सब के अलावा यहाँ पे लेटेस्ट लेटेस्ट व्हीकल्स भी है मोटर व्हीकल्स जैसे कि मोटरसाइकिल्स जीप्स ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स सो ये हमने देखा कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बढ़िया है अगर बच्चों यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है ट्रक चल रहा है जीप चल रहा है दैट मीन्स यहाँ पे रोड का सिस्टम भी अच्छा होगा आगे हमें बताया गया है कि देर टो देर आर टोटल फोर फिफ्टी फैमिलीज़ आर हेयर यहाँ पे कुल मिला के पालमपुर के गांव में चार सौ पचास परिवार रहते हैं जिसमें एट्टी जो फैमिलीज़ है वो अपर कास्ट फैमिलीज़ है जो जिनके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड है आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ देखा होगा वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो मैक्सिमम लैंड पॉजिस करते हैं या वो लैंड ऑनर्स रहते हैं या लैंड लॉर्ड्स रहते हैं सेम एस हेयरऑल्सो आप इस चीज़ को आप अपने विलेज से भी कंपेयर कर सकते हैं अब ये जो अपर कास्ट के फैमिलीज रहते हैं जिनके जो अस्सी है संख्या में इनके हाउसेस काफ़ी लार्ज है और पक्का हाउस है बच्चों पक्का हाउस कहने का अर्थ है कि सीमेंटिंग घर होंगे ब्रिक्स के बने हुए घर होंगे और बताया जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट ग्रुप भी है जिन्हें गाँव में दलित कहा जाता है शेड्यूल कास्ट जिसे शॉर्ट में एस कहा जाता है इनकी पॉपुलेशन बताई गई है टोटल की वन थर्ड तो वन थर्ड इन फोर फिफ्टी मैंने निकाला जो लगभग आई वन फिफ्टी फैमिलीज मतलब शेड्यूल कास्ट दलितों की संख्या यहाँ पे वन फिफ्टी फैमिलीज है और इनके जो घर है वो छोटे हैं छोटे दैट मीन्स हमारे जो अपर कास्ट फैमिलीज के जो बड़े घर हैं उनके कंपरीजन में इनके घर छोटे हैं और इनके घर पक्के के नहीं हैं ये देयर हाउसेस आर मेड अप ऑफ मर्ड एंड स्ट्रॉ है ना घास फूस मिट्टी का बना हुआ उनका घर है जिसे हम कच्चा हाउस बोलते हैं और यहाँ पर इनका घर जो है घाव के कॉर्नर में है अलग है क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम विलेजेस में स्टिल टुडे अनटचेबिलिटी को लोग प्रैक्टिस में रखे हुए हैं और नहीं भी रखे हुए तो पहले जो सिस्टम था लोगों का घर अलग लोग बनाते थे तो, तो मे भी उसको दर्शाने का उसको बताने की कोशिश यहाँ पर की गई है आगे बढ़ते हैं बच्चों अब पालमपुर के पास क्या है तो उसके पास वेल डेवलप्ड सिस्टम है रोड का मैंने अभी बताया ट्रांसपोर्ट अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी की भी सुविधा अच्छी है यहाँ पे किसान ट्यूबवेल यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन अपने लैंड्स को कर सकते हैं यहाँ पे दो बच्चों दो स्कूल्स भी हैं एक प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स है एक हेल्थ केयर के लिए एक पी गवर्नमेंट का है पीएचसी मींस प्राइमरी हेल्थ सेंटर इसके अलावा प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है डिस्पेंसरी का अर्थ होता है दवाखाना सो इस स्टोरी में हमें बताने की क्या कोशिश की गई है इस स्टोरी विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज गांव में किस किस तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में ये स्टोरी द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर हमें बताने की कोशिश करेगा अब प्रोडक्शन क्या होता है प्रोडक्शन एक बहुत बढ़िया शब्द है प्रोडक्शन आप ऐसा समझ लीजिए कि रॉ मटेरियल से कुछ फाइनल गुड को जो हम बनाते हैं यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन भी प्रोडक्शन के लिखे हैं पहला डेफिनेशन मैंने लिखा है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कंज्यूम बाय द पीपल ऑफ कंट्री एक ऐसा प्रोसेस ऐसी प्रक्रिया जिसमें अलग प्रकार के गुड्स सामान या सर्विसेज सेवाएँ क्रिएट किए जाते हैं जिसे लोग कंज्यूम करते उपभोग करते हैं या फिर दूसरा डेफिनेशन आप देख सकते हैं प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ़ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल फिनिश गुड विच कैन बी कंज्यूम मतलब कि रॉ मटेरियल जो कच्चा पदार्थ होता है उसे एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में चेंज करना ही प्रोडक्शन कहलाता है जिसे लोग कंज्यूम करते हैं So, this is the introductory part. This is the introduction of our chapter, the story of village Palampur. Very soon I will be available with the second part of this chapter. Thank you for watching my video. Please subscribe my channel, AK Singh Online Academy on YouTube. Thank you. Thank you, all of you. Thank you very much.